सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनकराग, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे। ओके, तो मेरे भाई मेरे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सभी बच्चा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिए होंगे। बहुत सारे बच्चा को नहीं हुआ होगा, अपग्रेड किया होगा, कम्प्लीट एडमिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर भी जितने सारे स्टूडेंट इस बार एडमिशन लेने वाले हैं इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन चलता है सभी के बीच में, क्या कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास चलता है, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? बस इसके सिवाय कुछ नहीं कहा, ठीक है। क्लास सिर्फ कि पढ़ाई होता है तो क्या सिलेबस कम्प्लीट होता है? तो इसी से रिलेटेड डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई, मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देते हैं, एक खुशखबरी बता देते हैं कि हमको YouTube की तरफ से मेल आ गया है। खुशखबरी मेल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खुशखबरी मेल है कि ये जो है ना मेंबरशिप का एक्सेस हम ले सकते हैं, मेंबरशिप है ना, वो मेल आ गया है। तो आप सभी मेरे चैनल से एक्सेस ले सकते हैं मेंबरशिप का और जुड़ सकते हैं। बहुत सारा फीचर्स मिलेगा इसका। मान लीजिए आप मेंबरशिप बनते हैं मेरे चैनल का, तो आपको है ना स्पेशल छूट दिया जाएगा। जैसे आप तुरंत कमेंट किए, तुरंत रिप्लाई, व्हाट्सअप कॉल हो, आप लाइव में आते हैं तो आपको है ना इमोजी हो चाहे स्टार हो, कोई भी चीज़ आराम से आप फैसिलिटी दिया जाएगा। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपको है ना रिप्लाई दिया जाएगा, बताया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। तो भाई मेरे, आप सभी को बता देंगे एकदम कम से कम प्राइस, जो YouTube की तरफ से जो कम से कम प्राइस होगा ना वो हम ऐड करेंगे, और सभी और मंथली रहेगा, तो एक दिन का शायद एक रुपया से भी कम रहेगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर, और उससे भी सपोर्ट मिलेगा हमको। तो उस है ना उसको ऑन करेंगे मेंबरशिप को, बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दे, आ गया है। आप ही सभी के प्यार एंड सपोर्ट से तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, और देखने को तो और भी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के पॉइंट पर आते हैं। तो क्या क्लास चलता है? एक बात बताइए भाई मेरा, ये जो सरकार है गवर्नमेंट है ना, पागल तो नहीं है? बताइए टोटल पूरे बिहार में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है? 38 है। और सबका जो स्ट्रक्चर देखेंगे ना आप, कई करोड़ों करोड़ों का स्ट्रक्चर बनाया है भाई मेरे, इतना खर्च किया है ना, लैब हो गया, क्लासरूम हो गया, बिल्डिंग हो गया, एकेडमिक हो गया, मतलब आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। उसके साथ साथ कई सारे टीचर को उसमें प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, मतलब पेमेंट सुन के आप हैरान हो जाएगा, लाखों से अभव रहता है, मतलब क्या ही क्या है। और इतना खर्च करने के बाद क्या, और वो भी बीटेक कोर्स, क्या बीटेक कोर्स 4 साल का इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उसमें क्लास नहीं चलेगा तो कौन सा कॉलेज में चलेगा? ये 12th का 10th का ये जो सरकारी उसमें क्लास चलेगा भाई मेरे, ये तो कॉमन सेंस है। गलती आप सभी का है ना कि मतलब कोई बच्चा जाता ही नहीं है पढ़ने, तो बच्चा टीचर कैसे पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मैक्सिमम कॉलेज में कोई टीचरें नहीं है या प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल कुछ नहीं, हर चीज़ का। जब इतना करोड़ों रुपया लगा सकता है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बना सकता है, तो क्या एक टीचर को बहाली नहीं कर सकता है? उस सब्जेक्ट वाइज टीचर को उसमें क्या होता है बहाली नहीं कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक कॉलेज में हर चीज़ का व्यवस्था है, आप है ना बिल्कुल मत घबराइए, मेरा बात मानिए। हम अभी इसी फील्ड में है, हर एक कॉलेज में क्लास चलता है। हम मान लेते कोई भी कॉलेज में व्यवस्था नहीं, उसका बिल्डिंग अपना कैंपस नहीं बना है, दूसरे कॉलेज में चलता है, तो दूसरे जिस कॉलेज में चलता है उसमें भी चलता है, और जिस कॉलेज में अभी शिफ्ट हुआ होगा तो कोई भी चीज़ की लैब वो दिक्कत हो सकता है, लेकिन टीचर का कमी नहीं है। हर एक टीचर का जो है ना वहाँ पर फैसिलिटी दिया गया है। तो जो कॉलेज आप सभी को मिला है या मिलेगा, प्लीज़ इससे पहले भी हम क्लास करना क्यों ज़रूरी है डिटेल्स में बताया है, बता दें कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगने जा रहा है, और डिटेल्स उस वीडियो में ही बताएं, तो जाके ज़रूर देखिए, ठीक है, कि क्लास करना जरूरी है कि बायोमेट्रिक सिस्टम, जिसका 75% अटेंडेंस नहीं बनेगा कोई हाल में उसको जो है ना फॉर्म फिल नहीं करने दिया जाएगा, और इसका जो मॉनिटरिंग करेंगे एकदम DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब कॉलेज के हाथ में नहीं है। पहले क्या होता था, कॉलेज के हाथ में रहता था, तो वही बच्चा को एक्स्ट्रा असाइनमेंट हो, एक्स्ट्रा क्लास करवा के जिसका 75% से कम रहता था तो उसको इस तरह से हैंडल करता था, अब बिल्कुल नहीं है। तो भाई मेरे बिल्कुल नहीं फिक्र है, प्रत्येक कॉलेज में क्लास चलता है, प्रत्येक कॉलेज में है ना क्लास चलता है, टाइम से सिलेबस,
रूटीन के अनुसार एकदम रूटीन लिख लेगा, एकदम साप्ताहिक आपको कौन कौन सा क्लास किस किस पीडीएम है, हर एक चीज़ का है ना आपको रूटीन के अकॉर्डिंग ही होगा, कौन कौन सा टीचर लेंगे, किस किस टाइम में शेड्यूल बनाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो कैसे पता चलेगा, तो हर एक कॉलेज का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर अपलोड करता देख लीजिएगा। हम तो फिल कर चुके हैं, चूँकि भोजपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरा और बख्तियारपुर में है ना उसका कैंपस चलता है, तो समझ गए हैं कि यार ये कैसे से सेशन से है ना इतना मतलब क्लास प्लानिंग तो कुछ और किए थे, हम भी आप ही तरह के सोचे थे, आप ही सब के तरह की क्लास तो करेंगे नहीं, लेकिन रूम लेना पड़ा, डेली का डेली क्लास करना पड़ा। और भाई मेरे आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, बीटेक कोर्स करने जा रहे हैं, अब बताइए कौन सा कोर्स में आप, कौन सा कोर्स ऐसा है जो एकदम बीटेक कोर्स में आप सोच रहे हैं कि क्लास नहीं करेंगे, तो कौन कॉलेज क्या बोलते कौन कोर्स में आप क्लास करना चाहते हैं, इससे भी बढ़िया कोर्स होता है यार बीटेक समझ सकता हूँ, अब इससे बड़ा कोर्स कौन सा हो सकता है, और फिर भी सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जाइए क्लास चलता है, और नहीं भी चलता है चलता है, इस बार से आप जो चाहते हैं ना कि हम क्लास नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी को जो है ना 75% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, तो फॉर्म फिल नहीं करने दिया जाएगा, बस एक ही वर्ड समझिए। और इसका जो मॉनिटरिंग बता दिए हैं कि DST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा, कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं, आपको हर एक हाल में फॉर्म जो है ना फिल नहीं करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।